कैसे हो जनता लोग, आ चुका है एक पबजी मोबाइल लाइट के न्यू एपिसोड के अंदर, ओके, जिसमें हम लोग अपनी ड्रेस और एक इमोट लेने वाले हैं। जो इमोट सर अब जो सारे पास सबके पास मिल रहा है, इमोट कैसे लें और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग तुम लोग इमोट ले सकते हो। सबको पता ही होगा पर रियल में मिलते हैं कि नहीं, वो सारे हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं, अपनी ड्रेस को भी मॉडिफाई करवाने वाला है। तो अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो हमें सिल्वर कॉइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि यार हम लोग अगर अपनी ड्रेस को मॉडिफाई करना चाहते हैं और एक कैप खरीदना चाहते हैं तो हमें तो ज़्यादातर हमें सिल्वर कॉइन से सिल्वर कॉइन्स बनाने के लिए मैं आपको एक बेस्ट ट्रिक बता देता हूँ कि तुम्हारे पास वो तो होंगे ना जो मतलब एक कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स तो सब मेरे पास 3 लाख पड़े हैं, ओके। तो अब तुम उन कॉइन्स को यूज़ करोगे, इसी कॉइन से तुम लोगों को बनेंगे सिल्वर कॉइन्स, ओके। जितना तुम लोग ये यूज़ करोगे और मेरे हो गए भाई सिल्वर में, ओके, जितना तुम लोग यूज़ करोगे उतने तुम्हारे सिल्वर कॉइन बनेंगे और तुम लोग खरीद पाओगे जितना भी ले पाओगे। तो अब तुम लोग अच्छी अच्छी ड्रेस भी खरीद ले सकते हो यहाँ से, ओके। तो पहले आपको मतलब ये कॉइन्स बहुत ज़्यादा करने होंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे उड़ा देते हैं सारे पैसे अपने, तो यहाँ पे मैंने फुल टू फुल सारे अपने पैसे उड़ा दिए और मेरे हो गए 1700-1800, इतने ही हो गए मेरे पैसे। तो इसी से मैंने अपना ड्रेस मॉडिफाई किया एंड एक कैप भी खरीद ली, ओके ओके। तो यहाँ पे तक मैंने अपना हर चीज़ ले लिया, हमारे पास पैसे भी बन गए 1700-1800 तक, ओके। तो पहले तो हम लोग करते हैं अपने ये इमोट ले लेते हैं, जो इमोट नया आया, ओके। तो मेरे को क्या पसंद आया फिर ही मैंने मॉडिफाई करवाई, ओके। तो मेरे को एक कैप पसंद आया, और तुम लोग ये वाली ड्रेस कैसे ले सकते हो, ये नया सीज़न आएगा ना तुम लोग इसी में ले सकते हो ये वाले, ओके। तुम्हारे पास सिर्फ लेजेंडरी दो चीज़ें होनी चाहिए, या तुम्हारे पास कोई लेजेंड सूट होना चाहिए, वो भी दो, ओके। एक नहीं होगा, एक के लिए तुम लोग खुद के लिए, एक को तुम लोग भेजोगे ना तो तुम्हें ये वाले ऊपर वाले ये तुम लोग खरीद सकते हो, ओके। तो तुम लोगों को ये खरीदने का बेस्ट ट्रिक है। अगर तुम लोग अगर लेजेंडरी ड्रेस या एक चश्मा बताता है, ओके, तो तुम्हारे पास जो भी लेजेंडरी होगा, जो भी दो चीज़ होंगे उसी से तुम्हारा बनेगा, ओके। तो हम लोग खरीदते हैं अब कैप, ओके। तो ये ड्रेस अगले सीज़न में निकालेंगे सारे, बट यहाँ पर हम लोग कैप खरीदने वाले हैं। तो देख सकते हो कैप बहुत अच्छी चीज़ पड़ी है यहाँ पर, बहुत चीपेस्ट वे में है कैप तो, ओके। तो मैं ख़रीदूँगा कैप को, ओके। तो पहले तो मैं मॉडिफाई नहीं करवाने वाला, पहले तो मैं आपको कैप खरीदने वाला हूँ, क्योंकि यार कैप में भी हमें एक इमोट चाहिए। तो पहले तो हम लोग खरीद लेते हैं अपनी कैप, ओके। तो मेरे को ये कैप पसंद आई है तो मैं यही कैप खरीदने वाला हूँ। तो अब देखो क्या ही खरीदते हैं, काफ़ी सारे कैप मैं खरीदने वाला था क्योंकि मेरे को पसंद आ गई। तो मैंने कहा यार ये वाली खरीद, मतलब ब्लैक ब्लैक वाली बहुत ज़्यादा महंगी थी, ओके। तो मैंने नीली नीचे वाली ले ली, मैंने ब्लैक वाली ये वाली मैंने लेनी थी, ओके। तो यहाँ पे लेके मैं पूरा मॉडिफाई करवाऊँगा अपने आपको। ये कैप हमने ले ली, ओके। तो सारी कैप लेने वाला हूँ मैं तो, ओके। तो जिससे इमोट मिलेगा वो भी मैंने खरीद ली, ओके। बट यहाँ पे हमने रॉन्ग कैप खरीदी, इससे इमोट नहीं मिलेगा। ऊपर वाली जो कैप थी उसी से ही इमोट मिलने वाला था, बट यहाँ पे मेरे को इमोट नहीं मिला। तुम लोग देख सकते हो यार इमोट नहीं है मेरे पास, ओके। तो अब मैं फिर से जाने वाला हूँ, मेरे पास इमोट नहीं है, अब मेरे पास इमोट आने वाला है, ओके। तो डायरेक्टली मैं गया ऑफिस में और मैंने एक कैप और ख़रीद ली और मुझे मिल गई, ओके। तो अब देखो कैसे कैप खरीदते हैं, और कैप वो वाली है भाई, ओके। तो तुम लोग भी मिस्टेक मत करना, ओके। मेरे पास तो पैसा बहुत है, वो ये वाली कैप से ही आप तुम लोगों को मिलने वाला है अपना इमोट, एंड रियली बहुत अच्छी इमोट है, ओके। तो इतना चीपेस्ट फ्री में इमोट मिल रहा है जैसे भी, ओके। तो हमें मिल चुका है इमोट, एंड अब देखो यहाँ पे अब हम करने वाले मॉडिफाई माई ड्रेस, ओके। तो अब लोग हम मॉडिफाई करने वाले अपने ड्रेस को, ओके। तो हमें तो इमोट मिल गया, ओके। तो यही एक ही इमोट मिलेगा, बहुत सारे बंदे बोले तुम लोगों को 4 इमोट मिलेंगे, बट ये झूठ है, ओके। तुम लोगों को यही इमोट यही कैप से मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ओके। तो ये देख लो भाई, मैंने पूरा खरीद के अपना ये ड्रेस मॉडिफाई करवा लिया है, तुम लोग देख लो यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लुक लगा। और तुम लोगों को क्या लगा ये लुक मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ओके। तो मैंने अपनी ड्रेस पूरी मॉडिफाई करवा लिया, देख लो एक शर्ट और पूरा ब्लैक है, एक कैप भी ब्लैक है, एंड ये चड्डा भी ब्लैक है, एंड ये शूज़ भी ब्लैक करवाए होंगे। तो मेरे को तो बहुत पसंद आया, और तुम लोग बताओ तुम लोगों को कैसा लगा, ओके। आई होप आपको ये अच्छा लगा, ओके। तो हम लोग चलते हैं गेम प्ले की तरफ, ओके। तो हमारा ड्रेस भी मॉडिफाई होगा और हमारा इमोट मिल गया, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इस वाले गेम प्ले सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम लोग उतरने वाले हैं हाउस के अंदर, ओके। तो ये स्काउट हाउस के नाम से पहचाना जाते हैं, ओके। तो अब मैं डायरेक्टली मेरे को एक गन ले जाता है, इस मतलब जो SKS है ना, जो इम्पोर्टेंट गन है, ओके। अगर तुम लोगों को यूज़ करना आता है ना ये गन, तो बस मुझे आता है, ओके।
तो ये गन जैसे मिला और मैं रश करने लग जाता हूँ, तो तुम लोग देख सकते हो कि क्या ही ड्रेस लग रहा है भाई का। तो तुम लोग देखो एंड इन्जॉय करो गेम प्ले को, एंड चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक स्पेशल थिंग मैं अपलोड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और वो शाम को करूँगा। एंड इस बंदे को पहले मैंने नॉक किया, इसका और एक फ्रेंड भी था उसको भी मैं मारने वाला हूँ और देखो क्या ही मारते हैं। एंड इस बंदे को नॉक किया और ये दोनों बंदे एक साथ ही थे, तो इनके दोनों बंदे को मैंने टपका ही दिया, तो मज़े ही आ गए। ओके तो इस वाले गेम प्ले में थोड़े कम किल करने वाला हूँ, बट यहाँ पे इस कम किल में एक फ़ायदा देने वाला हूँ। ओके तो इसमें जो हमारी फाइट होती है ना, तो वो ज़्यादातर हम लोग बॉट नहीं मारते, ज़्यादातर प्रो ही प्लेयर मारते हैं। ओके तो इसमें प्रो प्लेयर की बात नहीं है। ओके तो यहाँ पे जो हमने रश स्काउट रश लिया ना, तो तुम लोग देखो क्या ही तबाही मचा दिया पूरे सर्वर में। एंड ये भी रियल बंदा था, इसको भी हमने मार दिया। ओके तो यहाँ पे सारे बंदों को मारने के बाद ओके तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि यार पहले तो मेरे को बंदे की जरूरत थी और आगे ही दो तीन बंदे होते हैं उनको भी मैं मारता हूँ, तो वो दिखाता हूँ क्या ही मार रहे हैं मैंने। और यहाँ पे ये बंदा मेरा किल ले लेता है और तुम लोग देखो इसको मैं अपना ओवर करने वाला था, बट यहाँ पे एक किल उठा लेता है एक बंदा। इस बंदे ने मेरा किल उठा लिया और मैंने इसको उठा लिया, ओके इस दुनिया से हमने इसको उठा लिया। हाँ बस यहाँ से ये सारे किल मारने के बाद और मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। ओके तो ऐसे ही मैंने उठा ली अपनी गाड़ी और निकल जाते हैं गाइस। ओके क्योंकि अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, निकलना है अपना टाइम निकाल कर। तो यहाँ पे एक बंदा होता है और देखो क्या ही शॉट मार रहा है इसको, और यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस साइड आ जाता हूँ, वो सीन जो है काट दिया था। ओके तो यहाँ पे मैं इस साइड आ जाता हूँ और यहीं पे एक बंदा नॉक किया, और यहीं पे एक अमेजिंग फाइट आपको देखने के लिए मिलेगी हमारी तरफ से। ओके तो तुम लोगों का देखो क्या ही मारते हैं इनको। यहाँ पे ग्रेनेड आ जाते हैं दो तीन, तो मैं ऊपर जाता ही नहीं। ओके तो पहले तो ग्रेनेड को ओवर होने देते हैं, क्योंकि ग्रेनेड से नॉक हो गया तो रिवाइंड होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो पार्टी अपर रिस्क कर देगी। ओके तो मेरे को थोड़ा नींद लगी है इसलिए। तो यहाँ पे ऊपर ही बंदे होते हैं, तो मैं पहले तो यहाँ से चढ़ने का ट्राई करता हूँ, और मेरे को यहाँ पे चढ़ना नहीं आता। ओके और फाइनली एक बार मैं चढ़ ही जाता हूँ और देखो इन दोनों को क्या ही मिलता हूँ भाई। सोल्जर यहाँ पे इनको डैमेज देता है, तो मैं यहाँ पे चढ़ जाता हूँ। यहाँ पे एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ और दूसरे बंदा नीचे उतर फिर से मैं रश करता हूँ, तो वो नीचे उतर जाता है। ऊपर एक बंदा होता है और देखो क्या ही मारते हैं। इस बंदे को मैंने नॉक किया, जैसे मैं ऊपर चढ़ा दूसरा बंदा आ जाता है, वो मेरे को नॉक कर देता है एंड सोल्जर इसको मार देता है, और डायरेक्टली हम लोग इनको मारने के बाद पूरा शिफ्ट आउट कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे एक अब दूसरी पार्टी बात, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्यों ऐसे सीन दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार इतना वीडियो मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने सारे सीन काट रहा था और रश यहाँ पे रश मार रहा था, वहीं पे मैं सीन दिखा रहा था। ओके तो यहाँ पे मैंने पहले से स्मोक ही कर दिया, क्योंकि स्मोक इसलिए किया मेरे को खतरा लग रहा था, क्योंकि आरपीजी थी सामने और मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। और यहाँ पे एक ग्रेनेड आया जिससे मैं बच जाता हूँ, क्योंकि लक जब साथ में होता है ना तो आदमी बच जाता है। और यहीं पे हम लोग एक फाइट दिखाने वाले, जैसे मैं अभी सोल्जर बनने वाला है, यहाँ पे बहुत अच्छे सीन होने वाले, तो तुम लोग देखो। और मैं पीछे आ जाता हूँ, ये मेरा बेस्ट था कि मैं पीछे आ गया, अगर मैं आगे हो जाता तो मेरा मरने का चांस बहुत ज़्यादा था। और सामने एक डीपी वाला रश कर लेता है और यहाँ पे सोल्जर इसको नॉक कर देता है। तो मैं पहले अपना हेल्थ रिकवर करता हूँ, और आगे एक बंदे होते हैं जो स्क्वाड होता है, इनको मैं पेलने के लिए चला जाता हूँ। यहाँ पे रेड जोन होता है ना, तो यहाँ पे मैं निकलने का ट्राई कर देता हूँ, और सोल्जर को बोल देता यहाँ पे तू मार बंदों को। एंड इस बंदे को मैं थोड़ा मारने का ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे डीपी से मर जाता है ये बंदा, मतलब मेरे फ्रेंड ही मारता है उसको। और यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ, मेन चीज़ है भाई यहाँ पे जेड जोन है। ओके तो मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि मैं गाड़ी उठाने का बार बार ट्राई करता था, बट यहाँ पे मैं चाह रहा था कि एक लोकेशन मिल जाए, मैं एड लूम को शॉट देता हूँ एक बंदे को, बट यहाँ पे लोकेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि अब मैं घर के सामने थोड़ा रश लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आगे भी पार्टी थी और पीछे भी पार्टी, बहुत सारी स्क्वाड थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ओके तो यहीं पर अब सोल्जर नॉक हो जाता है रेड जोन से,
बट यहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग में शॉट देने वाला हूँ, कई शॉट देंगे। और यहाँ मजे है इसके छक्के उड़ा दिएगा इस कसम से, ऐसे छक्के उड़ाए इस बंदे के, तो भाई रोने लग गया बंदा, तो हमें दुख हो रहा है। ओके तो मैंने सोचा मैं ख़त्म कर देता हूँ, बट यहाँ पे मेरा स्प्रे थोड़ा नहीं रुकता क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड सेटिंग जो है ना ख़राब हो गई है गाइस। ओके तो मैं सोल्जर ब्लीड आउट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार अब सोल्जर को भी बचा लेते हैं। ओके तो अब मैं गाड़ी लेके चला जाता हूँ, सोल्जर पीछे आ जाता है और मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ और मैं आगे आ जाता हूँ। और सोल्जर को यहाँ पे रिवाइन देने के बाद यहाँ पे एक स्काउट था जो सामने घर में था, जो मैं रेशन नहीं ले रहा था, अब वो स्काउट हम पे रेशन लेता है और क्या ही देखो क्या ही बोलते हैं। वैसे अब इस बंदे को चुल थी बट हमने मार दिया इसको फिर भी, क्योंकि चुल वाले को मारना हमारी आदत है। और इन सब इस स्कॉट को मैंने इजीली उड़ा दिया, पर पता ही नहीं चला ये स्कॉट मर गया। बट मजे आ गए कसम से, एक एड लूँगा शॉट भी दिखाया और यहाँ पे इन दोनों बंदों को भी मार दिया। तो यहीं पे हम लोग यहाँ पे रिकॉर करते हैं, आप लास्ट ही बंदा बचता है, मतलब दो बंदे बचते हैं बट यहाँ पे एक बंदा दोन में मर जाता है। ओके तो ये लास्ट बंदा था और ये एड लूँगा शॉट खाते ही हमारा ओपी चिकन निकल जाता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके दोनों सब्सक्राइब कर देना एंड इस चैनल को सपोर्ट करो कि आगे तक लेके जाए। और शाम को एक मैं सरप्राइज़ वीडियो बनाने वाला हूँ, कि सरप्राइज़ वीडियो बहुत मजे वाली होने वाली है, बट तो तुम वो देखना, मजे लेना। एंड ये वीडियो में आपको मज़ा आया तो आई होप, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तो चलो बाय बाय।